बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? गोल बनना पड़ेगा। पहले आप एक अच्छा सेल्स पर्सन बने, यस और नो? एक अच्छे सेल्स पर्सन का गुण डेवलप करने के बाद आपके अंदर एक अच्छी सी लीडरशिप क्वालिटी आई, और एक अच्छी सी लीडरशिप क्वालिटी आने के बाद आप एक क्या बन रहे हैं? कोर बन रहे हैं। और कहा जाता है कि अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको कोर बनना पड़ेगा। इफ यू वांट टू मोर यू हैव टू बिकम ए कोर। क्या बनना पड़ेगा? कोर बनना पड़ेगा। अब वो कोर के अंदर क्या क्या क्वालिटी आती है आगे बात करते हैं। कोर का मतलब क्या होता है? नो कोर नो मोर, नो कोर नो मोर। अगर आप कोर नहीं बनते हैं तो आप ज्यादा की इच्छा नहीं रख सकते। अब बात आती है सर का सवाल था कि कोर हमें कोर किसे कहते हैं, कोर किसे कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली लाइन लिखा हुआ है, सौर मंडल में सूर्य जो है क्या है? हमारा कोर है। कोर है। क्या है? सूर्य जो है क्या है? हमारा कोर है। सौर मंडल के जितने, सौर मंडल के अंदर जितने भी ग्रह और उपग्रह है वो किसके एक दूसरे को घूमते हैं? सूर्य को। जानो सूर्य के चारों तरफ भी तो घूमते हैं, तो उत्तर से दक्षिण घूमता है, तो दक्षिण से पूर्व घूमता है, इसी तरह उसी के चारों ओर सूर्य के चारों ओर ही सारे ग्रह और उपग्रह घूमते हैं। इट मीन्स कि सौर मंडल का कोर कौन हो गया? हम जो कुछ भी काम करते हैं वो कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। कौन करता है? ब्रेन करता है। आप अंधेरे बैठे हुए हैं कहीं पे और आपके जान पे जो है मच्छर बैठता है, आपको मच्छर दिख नहीं रहा, मच्छर आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपका मस्तिष्क आपके हाथ को मैसेज देता है कि तुम्हारे जान के ऊपर एक मच्छर बैठा हुआ है, आपका हाथ ऐसे उठता है और जाता है, ऐसे मारता है, मच्छर बढ़ जाता है। सही है? सही है। इट मींस कि आपके मस्तिष्क ने आपके हाथ को मैसेज दिया कि जाओ वहां पे मच्छर बैठा हुआ है और उसको मार कर आओ। इट मींस कि आपके हाथ को कौन रिप्लेट कर रहा है? हमारे शरीर का कोर कौन हो गया? ब्रेन हो गया। इंसान के शरीर का कोर कौन हो गया? ब्रेन हो गया। नेक्स्ट है, देश के प्रधानमंत्री देश का क्या है? कोर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। इट मींस कि इस देश के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, बड़ी गतिविधियां होती है, उसका निर्णय कौन लेता है? कौन लेता है? प्रधानमंत्री। हमारे देश के साथ अगर अच्छा होता है तो वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, और कुछ बुरा होता है तो हम भी किसको दोष देते हैं? प्रधानमंत्री की गलती थी इसकी वजह से ये हुआ। इट मींस कि हमारे देश का कोर कौन हो गया? प्रधानमंत्री। सही है। उसके बाद है, राष्ट्र में राष्ट्र का मुखिया कौन होता है? घर में घर का मुखिया क्या होता है? कोर। आज हम जिस परिवार के अंदर रह रहे हैं, आपके परिवार के अंदर बहुत सारे गार्डन भी होंगे यहाँ पे और बहुत सारे बच्चे भी उस परिवार के, हमारे घर के अंदर हमारा कोर कौन होता है? हमारे माता पिता। उस घर के अंदर कोई भी बड़ा कोई डिसीजन लेता है तो कौन लेता है? माता पिता लेते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे परिवार के अंदर हमारा मुखिया कौन हुआ? हमारे माता पिता। सही है। विलेज में कौन होता है कोर? विलेज का मुखिया। ब्रह्मांड में कौन कौन है? हमारे भगवान। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में टीम का मुखिया यानी कि टीम का लीडर ही क्या होता है? कोर होता है। आप सभी टीम के लीडर हैं? यस। आप सभी टीम के लीडर हैं? यस। लीडर हैं? यस। बधाई हो दोस्तों, आप सभी कोर हैं। आप सभी क्या है? कोर है। इट मींस कि आप एक पर्टिकुलर टीम को लीड कर रहे हैं। कोई 10 की टीम को लीड कर रहा है, कोई 20 की टीम को, कोई 50 की टीम को, कोई 100 की टीम को, कोई 1000 की टीम को, कोई 5000 की, कोई 10000 की, कोई 100000 की टीम को लीड कर रहा है। इट मींस कि इस बिजनेस के अंदर टीम का लीडर ही टीम का क्या होता है? कोर होता है। AWPL का कोर कौन हो गया? श्री संजीव कुमार सर। संजीव सर। AWPL का कोर कौन हो गया? संजीव सर। कंपनी के डायरेक्टर क्या हो गए? इस कंपनी के क्या हो गए? कोर हो गए। ठीक उसी तरीके से जहां से आपकी आईडी लगी है, जहां से आपका लेफ्ट है, जहां से आपका राइट है, जहां से आपका बोनस है, जहां से आपका इंसेंटिव है, वहां से आपका रेप्रेटिव है। कोर क्या है? कोर है। और आपके लेफ्ट में कोई समस्या हो रही है, आपके राइट में समस्या हो रही है, उसके दिमाग कौन है? अप्लाई। अप्लाई नहीं, कौन बोला अप्लाई? मतलब अच्छा अच्छा हो तो हमारा
नहीं, जो कुछ अच्छा हुआ तो हमने किया, सारा कुछ तो हमने किया, अब कुछ गलत हो गया तो पठाने नहीं नहीं दोस्तों, हम जहां से हैं, जहां से हमारी आईडी लगी है, जहां से हमारा टीम शुरू हुआ है, वहां टीम के साथ जो कुछ भी अच्छा होता है वो सारा का सारा हमारे अपलाइन की वजह से, क्या है, सारा का सारा हमारे अपलाइन की वजह से है, और जो कुछ भी गलतियां हमारे टीम के अंदर हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कमी की वजह से हो रही है, उस कमी को हम जरूर करना है। सही है, श्रेय हमेशा इस बिजनेस के अंदर कहा जाता है कि श्रेय जो अच्छा जितना भी होता है वो श्रेय हमेशा अपने अपलाइन को देना है। अगर कोई गलती हुई है आपके अपलाइन से हो डाउनलाइन से, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस गलती को स्वीकार करना है, सर ये गलती मेरी वजह से है, मैं इसको सुधार करूंगा, और तभी आप इस बिजनेस के अंदर को कह रहा हूं। सही है, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, घर में परिवार का मुखिया कौन होता है, उसके गार्जियन कोई पुरुष होता है, ना? Yes. उस घर की माँ जो होती है सेकेंड कोर होती है, yes. वो बच्चों की देख रेख करती है, सब कुछ करती है, कुछ गलती होता भी है तो माँ जो है उस बच्चों को क्या अपने हाथ में छुपा लेती है पिता के डर से, उस बड़े कोर से, और कहती नहीं नहीं इसका कोई गलती नहीं है, इसका कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा गलती है, इसको माफ कर दीजिए। और वो पिता जानता है, वो पिता जो है, जो ऊपर वाला जो आपका अपलाइन है, वो जानता है कि इस माँ की गलती नहीं है, तो ममता की माँ है, ममता से भरी हुई है, जो अपने डाउन लाइन की क्या कर रही है, अच्छा कर रही है। तो बिजनेस के अंदर अगर आपको सफल होना है तो आपको अपने टीम को माँ की तरफ प्यार करना पड़ेगा, और आपको अपनी टीम को पिता की तरफ गाइड करना पड़ेगा। पिता के गाइड में क्या होता है, डांट होती है, फटकार होती है, सुनो, लेकिन माँ के प्यार में क्या होती है, दुलार भी होती है। और जब तक आप अपनी टीम को माँ की तरफ प्यार नहीं करेंगे, आप टीम आपसे अटैच नहीं रहेगी। आपने देखा होगा जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मोस्टली लोग अपनी माँ से ज्यादा अटैच रहते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये होता है कि माँ ममता की मूर्त होती है, और पिता भी जो है प्यार करता है, लेकिन पिता का प्यार दिखता नहीं, पिता का प्यार दिखता नहीं है, और इसलिए नहीं दिखता कि अगर वो पिता का प्यार भी अगर दिखने लगे तो बच्चा निकम्मा। सही है। थैंक यू। तो क्या आप सभी कोर बनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए दोस्तों, आपके कोर बनने की खुशी में एक जोरदार तालियां हो जाएगी।